किसको मारने की बात कर रहे हो? वसीम सैयद को, इरफान सैयद तुम्हारे जैसे चिंटू मिंटू के लिए भारी है, जिसको आप पहले पप्पा मानते थे उनको छोड़ के आए, अब जिनको पप्पा मान रहे हो, और आपके पप्पा के बोलने से भी कुछ पत्ता हिलता नहीं है। माननीय श्री राज साहब ठाकरे आपके पप्पा है? हाँ मेरे पप्पा है, इनके पप्पा से कुछ होता नहीं है। हमारे पप्पा जो बोलते है ना, तो इनके पप्पा के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। नईम खान साहब के जो बेटा है तो वो कहाँ है एनसीपी में? अपनी जुबान को अगर लगाम नहीं देंगे तो ये मनसे का कार्यकर्ता इनको जो है ना मारने का काम करें, तो फिर मनसे वाले सही कर देंगे अपने स्टाइल में। इरफान सैयद, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, कौन से मुद्दे है मुमरा शहर के अंदर और अभी तक क्या लाएंगे सामने? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। मैं इरफान सैयद, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष महाराज नवनिर्माण वातुक सेना। मैंने कल एक न्यूज़ देखा कि जिसमें मुमरा के समाज सेवक हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे मनसे पर उंगली उठा रहे हैं। किस मुद्दे पर उठा रहे हैं वो? कि मुमरा में, मुमरा में कल हमने न्यूज़ देखा है और आप लोगों को भी शायद मालूम है कि जो दरगाह का जो मामला चल रहा है उसकी सीढ़ियों पर कार्रवाई हुई है, 30-35 सीढ़ी कुछ तोड़ी गई है। ये वन विभाग का मामला है, वन विभाग जो है अविनाश दादा ने जो लेटर दिया है तो वन विभाग वो कार्रवाई कर रही है, वो करेगी। का मामला है, वन विभाग समझेगा, बरोबर समझाइए तुम क्या समझा। लेकिन हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है वो वसीम सैयद के ऊपर लिया है कि वसीम सैयद साहब को आपके चैनल के माध्यम से हम जवाब देना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि अविनाश दादा साहब जो है वो बहुत ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं नहीं कह सकता, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखो वसीम सैयद भाई, जो सस्ती सोरत हमारे नेताजी को नाम लेकर के आप जो हासिल करने आए हो, तो इतना उनको टाइम नहीं है आपको जवाब देने का। एक मनसे का कार्यकर्ता ही मुमरा का इरफान सैयद तुम्हारे जैसे चिंटू मिंटू के लिए भारी है। और सुन लीजिए वसीम सैयद साहब, कि आप जिसको पप्पा बोलते हो ना, और जिसकी पार्टी में हो, और आप जिससे पार्टी में आप पहले रह करके आए हो, जिसको आप पहले पप्पा मानते थे उनको छोड़ के आए, अब जिनको पप्पा मान रहे हो, तो वो तुम्हारे पप्पा से, आपके पप्पा से और आपसे मुमरा का तो कुछ विकास होता नहीं है, और आपके पप्पा के बोलने से भी कुछ पत्ता हिलता नहीं है। और हमारे जो पप्पा है ना, माननीय श्री राज साहब ठाकरे, आपके पप्पा है? हाँ मेरे पप्पा है, क्योंकि इनके जो पप्पा है ना, इनके पप्पा से कुछ होता नहीं है, तो इनके पप्पा से कुछ होता नहीं है, तो अभी हमारे पप्पा जो बोलते है ना, तो इनके पप्पा के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, तो ये अड़बड़बकते हैं भाई। तो ये जो सस्ती सूरत जो पप्पा को लेकर हासिल करने आते हैं ना, उनके तो, पप्पा कौन है? इनके पप्पा वो पहले ये समाजवादी पार्टी में तो अबू हाशिम भाई थे, और सबको मालूम है कि अबू हाशिम भाई के कौन है पप्पा, वो भी मालूम है। और मुमरा में अब ये छोड़ करके समाजवादी से अब आए कांग्रेस में, तो अब इनके पप्पा कौन हो गए? और मुमरा में ये जिनको नईम खान साहब को पप्पा मानते है ना, तो उनको भी देख लें कि नईम खान साहब के जो बेटा है तो वो कहाँ है एनसीपी में? और ये जो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन ये जितनी पार्टी थी कुछ दिन पहले, मुमरा के पत्रकार खूब अच्छे से जानते हैं, जनता भी जानती है कि ये कहाँ कौन से गठबंधन में थे। तो ये जो आज पंजे का, कांग्रेस का पट्टा पहन करके और मनसे पर उंगली उठाने आए हैं, तो हम आपके चैनल से बताने आए हैं कि अपनी जुबान को अगर लगाम नहीं देंगे तो ये मनसे का कार्यकर्ता इनको जो है ना मारने का काम करेगा दौड़ा के, और ये जो है अपने औकात पे ही रहे, नहीं तो इनको मनसे के कार्यकर्ता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि मुमरा में जिस तरीके से अविनाश दादा को गलत बात का इस्तेमाल किया गया है, उसका हम बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। अच्छा, आपने मारने की बात कही थी, दौड़ा दौड़ा के मारे गए, किसको मारने की बात कर रहे हैं? वसीम सैयद को। और वसीम सैयद को आपके चैनल से हम बता रहे हैं कि ज्यादा अपने पप्पा के ऊपर उलझो मत, ज्यादा कूदो मत, क्योंकि तुम्हारे पप्पा के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि जो कुछ बोले और कुछ हो जाए। वो हमारे पप्पा के ऊपर ताकत है, जो रात में 10 बजे बोले और सुबह चिल्ला उखड़ गया, और अविनाश दादा ने लेटर दिए, कार्रवाई हो गई, समझे?
तो तुम जो है जिस पार्टी में हो वो पार्टी की ताकत और तुम्हारी ताकत सबको मालूम है मुमरा वालों को। तो इससे बेहतर है कि अपने जुबान को लगाम दे और जो वो कर रहे हैं ना वो करे। सर ये वसीम सैयद पे बात होगी कि कुछ जनता के फायदे की भी बात करेगा, इरफान सैयद मुमरा शहर के अंदर इतने साल से राजनीति कर रहा है, जनता का क्या क्या फायदा किया वो जरा बताइए। नहीं जनता का क्या फायदा करना है बताइए, जनता आपके साथ कैसे जुड़ेगी? नहीं ये सवाल ये सवाल कुछ दिन पहले आप लोगों को माननीय आरोप प्रति आरोप लगाते हो, जनता का क्या फायदा करते हो? सर मेरी बात सुनिए ना, इरफान भाई आपने कहा कि वसीम सैयद ने अविनाश जाधव को बहुत कुछ कहा, क्या कहा आप खुल के बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा ना वो बात। देखिए कैसा है कि जो अल्फाजों का इस्तेमाल करे हैं तो वो अल्फाज हम दोहरा नहीं सकते, बहरहाल चैनल पर है तो हम उनको यही बोलने आए हैं कि थोड़ा सही रहो आप, नहीं तो फिर मनसे वाले सही कर देंगे अपने स्टाइल में, हम आप लोगों के चैनल से कहने आए हैं उनको। और ये हमारे नेताजी का नाम लेकर के सस्ती शोहरत हासिल जो करने आए हो तो ये बंद करो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है समझे। वो सिर्फ मनसे में ही ताकत है कि जो हमारे माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी बोलते हैं वो होता है, वो तुम्हारे पप्पा की और तुम्हारे लोगों की बस की बात नहीं है। और आप लोगों के चैनल से एक बात हम लाख बोलना चाहते हैं, ये हमारी बात वसीम सैयद चाहे चेतावनी समझे और चाहे धमकी समझे, अगर अब इसके बाद में आप सब का हमारे माननीय जो अविनाश दादा जी के बारे में गलत सलत बोला तो उसको जो है ना हम अच्छे से सबक सिखाएंगे मन से स्टाइल, आप उसको हम समझा देंगे।